वोल्डेमॉर्ट आ चुका है भाई, हैरी पॉटर को बुलाना ही पड़ेगा। अभी हम लोगों ने जो है मसूरी का पर्यटक शुल्क पे किया है। हाँ जी, क्या हालचाल? बढ़िया भैया। देखो सुपर शक्तिमान यार ने गाड़ी बीच में एकदम घुस ही दी है। इस चलचित्र के पिछले भाग में आपने देखा कि मैं दिल्ली से 5 घंटे की ड्राइव करके सहस्त्रधारा पहुंचता हूं और वहां पे बहुत एंजॉय करता हूं। अब आगे, लेकिन जिंदगी में कभी कभी हमारे फैसले हमारे उम्मीदों से अलग होते हैं और मेरे लिए भी लाइफ ने कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट प्लान कर रखा था। और हम लोग अब जो है सहस्त्रधारा से जो है नहा के और निकल चुके हैं, पर इस टाइम पे अब धीरे धीरे मौसम और खराब होता जा रहा है, बारिश तेज होती जा रही है और उम्मीद यही थी कि काश मसूरी में बारिश थोड़ी सी कम हो जाती तो उसको हम और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते मसूरी को और अच्छे से हम जो है उसको एंजॉय कर पाते। देखते हैं, पर जिस तरीके से अभी मौसम हो रहा है उसको देख के तो यही लग रहा है कि बारिश ही वहां पे हमको मिलेगी। बस थोड़ा सा ये भी डाउट है कि ऐसा ना हो कि ऐसे मौसम में जो रोप वे है वो बंद ना हो, और अगर बारिश बंद हो जाए तो थोड़ा सा मॉल रोड भी घूमने का मजा आएगा और लोकल हम लोग मसूरी को भी जो है एक्सप्लोर कर पाएंगे। आ गया, धरती का अंत नजदीक है, अब ये वोल्डेमॉर्ट आ चुका है, अब धरती खत्म होने वाली है। ये बताएगा कौन आ गया है? वोल्डेमॉर्ट आ चुका है भाई, हैरी पॉटर को बुलाना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग जो है भाई निकले हैं लंच करके। अभी हम लोगों ने लंच किया है मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर पहले, ये एक ढाबा टाइप का था, यहाँ पे हमने किया आलू के पराठे, चाय और ऑमलेट। आलू के पराठे बहुत अच्छे थे, चाय भी बहुत अच्छी थी। अभी हम लोगों ने जो है मसूरी का पर्यटक शुल्क पे किया है। उत्तराखंड में आप किसी भी पर्यटक स्थल पे जाओगे हर जगह का आपको पर्यटक शुल्क देना पड़ेगा। इससे पहले भी सहस्त्रधारा गए, वहां पे भी हमने पर्यटक शुल्क दिया और अभी यहाँ पे दिया। अब इसके बाद जो अगर हम भट्टा पॉल भी जाएंगे, रोबर्ट्स कैप भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे वहां पे आपको पर्यटक शुल्क देना पड़ेगा। जो पहाड़ों की चीज होती है ना कि पहाड़ों पे कब जो है बारिश होने लगेगी, कब बादल आ जाएंगे, कब कोहरा आ जाएगा, कब क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। सेम डिक्टो वही हो रहा है। हाँ जी, क्या हाल चाल? अब हम लोग जो है मसूरी सिटी में एंटर कर चुके हैं और इस टाइम पे मौसम तो जैसा सुबह था लगभग अभी उसी टाइप का बना हुआ है, बारिश थोड़ी सी कम है, नीचे हम लोगों को काफी अच्छी बारिश मिली थी। भैया देखो सुपर शक्तिमान यार ने गाड़ी बीच में एकदम घुस ही दी है। भाई ये पहाड़ी ड्राइवर हूं मैं ऐसे ही है, ये ना देखे किसी की भी। भाई स्पीड से आया उनने एकदम गाड़ी घचाक से अंदर। जैसे ही हम लोगों ने मसूरी में एंट्री की, मसूरी में एंट्री करते ही हम लोगों को जाम मिल चुका है और ये गूगल मैप भी इस चीज को प्रॉपर शो कर रहा है कि जहां तक हमको जाना है वो पूरा एरिया रेड है, 1.5 किलोमीटर का जो है 25 मिनट शो कर रहा है। ये ट्रैफिक का अपडेट भाई मैं फिर से दे रहा हूँ, अभी जो मैंने दिया था तब से अब तक मुझे लगभग आधा घंटा से ज्यादा हो चुका है और जब से मुश्किल से अभी तक 200 मीटर में चल के आया हूँगा। तो भाई मेरी ये एक एडवाइस है कि अगर आप लोग इस टाइम पे उत्तराखंड में स्पेशली मसूरी या देहरादून आ रहे हैं तो प्लीज अवॉइड करें। आज मैं हम ही लोग हैं कि आप पूरे दिन कुछ भी नहीं हम लोग एक्सप्लोर कर पाए, पूरा दिन सिर्फ ड्राइविंग ही करते रह गए हैं। 5:08 हो चुकी है, अभी देखते हैं कितनी दूरी और लगती है। तो फाइनल अपडेट ये है कि अब हम लोग जो है पार्किंग के पास पहुंच चुके हैं मसूरी में गाड़ी पार्क करने के लिए और अब फाइनली हम लोग गाड़ी अपनी पार्क कर रहे हैं। पर इस ट्रैफिक जाम में ये समझिए कि हमारा पूरा का पूरा प्लान जो भी हम लोगों ने किया था सब धरा का धरा रह गया, सारी प्लानिंग हमारी वेस्ट हो गई क्योंकि अभी टाइमिंग हो चुकी है 6:30। जो भी हम लोगों ने प्लान किया था कि गन हिल हम लोग जाएंगे और रोप वे जाएंगे या जो भी चीज थी वो सब धरी की धरी रह गई, अब कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऊपर से बारिश भी आ रही है तो मॉल रोड भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
और मसूरे के सपने को अधूरा छोड़कर मुझे आगे बढ़ने का फैसला लेना पड़ता है।